दोस्तों, फिर से आप सभी आप लोगों का स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति के इस वीडियो में, ठीक ना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आइए दोस्तों लेट्स प्ले दिस वीडियो, देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 7 करोड़ तक हम जीत सकते हैं। पहला पॉइंट आ गया है कि इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? लॉन टेनिस, मोटर रेसिंग, कुत्तों की दौड़ या फिर डर्बी घुड़ दौड़, ठीक है। तो इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम, तो देखिए कोई गलत अगर कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम रिस्टार्ट करेंगे। लाइफ लाइन भी हमारे पास है, ठीक है ना। तो व्हाइट सिटी स्टेडियम, देखिए आइए यहाँ पर लाइफ लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉल सी, ठीक है ना। तो कुत्तों की दौड़ के लिए याद रखिएगा, हम लोग याद कर लेंगे इसको, ठीक है ना। कुत्तों की दौड़ के लिए फेमस है, तो ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आ गया है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुआ? आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 2012, 15 अक्टूबर या फिर 26 नवंबर, ठीक है। तो इसी में कोई है, 2012 में तो हुआ था, अब 15 अक्टूबर है या फिर 26 नवंबर है। तो 15 अक्टूबर मुझे लग रहा है, 26 नवंबर लगा दूँ, ये लगा देता हूँ। छब्बीस नवंबर थे, याद हो जाएगा हम लोग कि यहाँ पर गलत किए थे, तो हम लोग को याद हो जाएगा कि 26 नवंबर है, ठीक है ना। आप अगर देखें होंगे इस वीडियो में, तो देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि 26 नवंबर 2012 को जो है आम आदमी पार्टी का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। तो आए कोई दिक्कत नहीं, तो आपके पास लाइफ लाइन तो सही लगे, हमने लिया नहीं, मुझे लगा कि गलत हो जाएगा आगे क्वेश्चन में जो यूज होगा। चलिए लेट्स प्ले करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हैं, अगला क्वेश्चन, सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीन भाषा, कोबोल भाषा, बेसिक भाषा या फिर फोरट्रान भाषा। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो मुझे लग रहा है कि मशीन भाषा ऑप्शन ए या फिर सी बेसिक भाषा, ऑप्शन ए लगा दूं या फिर लाइफ लाइन। तो चलिए यहाँ से ए सही लग रहा है और होना चाहिए, सही हो गया। 1000 रुपये, 2000 का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है? कनाडा, जायरे, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोई नहीं। तो कोबाल्ट उत्पादक अमेरिका है क्या? अमेरिका तो उसमें है, क्या बोलते हैं, मक्का में बोलते हैं ना, मक्का में। तो चलिए लाइफ लाइन मुझे लग रहा है सी या ए होगा आपको, बी बी ओ, जायरे जायरे जायरे। चलिए ठीक है, याद कर लीजिए, जायरे भी सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है, जायरे। 2000 रुपये जीत चुके हम लोग। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 3000 रुपये के लिए, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? हॉकी, पोलो, गोल्फ या फिर क्रिकेट। तो एग्रीकल्चर शॉट, तो क्रिकेट में शॉट तो लगाया, लेकिन एग्रीकल्चर शॉट हमें नहीं सुना है। गोल्फ में हो सकता है, हॉकी में भी हो सकता है, पोलो में। तो चलिए यहाँ पर मुझे लग रहा है लाइफ लाइन लेना पड़ेगा, ऑडियंस पोल लेते हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या बताती है। तो ऑडियंस पोल ऑप्शन डी को मिला है 40%, यानी कि क्रिकेट, क्रिकेट में होता है एग्रीकल्चर शॉट। अच्छा चलिए सही है, ऑप्शन यहाँ पर लगाता हूँ डी, क्रिकेट, ठीक है, याद रखिए एग्रीकल्चर शॉट, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? हाँ ये तो सब लोग जानते होंगे दोस्तों, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1980, मुझे तो ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1885 में हुआ था, ठीक है वो, और 1980 मुझे सही लग रहा है, अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला श्रीमती पी के गेसिया, ऑप्शन बी है श्रीमती इंदिरा गांधी, सी है श्रीमती बछंदी पाल, या डी है श्री सुश्री सुष्मिता सेन। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो दोस्तों यहाँ से इंदिरा गांधी मिला रहे। चलिए बहुत शुक्रिया, यह लाइफ लाइन मुझे सही आ रहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए कोई नहीं, आंसर सही हो गया, लाइफ लाइन एक वेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर आ गया है अगला 20000 रुपये के लिए, किस देश को केक की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ केक्स,
स्कॉटलैंड, फिनलैंड, थाईलैंड या फिर स्वीडन। तो याद तो मुझे लग रहा है कि फिनलैंड या फिर स्कॉटलैंड। तो क्या किया जाए यहाँ से, 50-50? ओह चलो स्कॉटलैंड होगा। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहते हैं, थाईलैंड वो भी हो सकता है, लेकिन स्कॉटलैंड सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम महिला चिकित्सक कौन, ममता बनर्जी, प्रेमा माथुर, कादम्बिनी गांगुली या फिर डी अन्य। प्रथम महिला चिकित्सक ममता बनर्जी, तो उनको तो वो कहते हैं ना, तो जो मेट्रो वुमेन कहते हैं, प्रेमा माथुर या फिर कादम्बिनी गांगुली। प्रथम महिला चिकित्सक, चलिए सी आ जाए, कादम्बिनी, प्रेमा माथुर। कादम्बिनी गांगुली बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, दीप नारायण सिंह, श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जयराम दास दौलत राम या फिर सतीश कुमार सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, मुझे कोई आइडिया है नहीं, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। मुझे पता नहीं तो मैं गलत नहीं करना चाहता हूँ, तो लाइफ लाइन मेरे पास एक आप लाइफ लाइन बचा हुआ है, फ्लिप द क्वेश्चन, तो वहाँ से मुझे बी लग रहा है, आप लोग बताइएगा कौन सा सही है, मुझे पता नहीं है। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता रहा है, सुर सामग्री, मल्लिका ए तरन्नुम, स्वर सम्राज्ञी, एशियाई कोकिला। लता मंगेशकर को दोस्तों स्वर कोकिला कहता है, स्वर कोकिला, तो इसमें तो लिखा ही नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि एशियाई कोकिला भी हो सकता है, सुर सम्राज्ञी या फिर स्वर सम्राज्ञी, डी लगा देता हूँ, एशियाई कोकिला। आप लोग क्या लगता है बताइएगा, स्वर कोकिला, मुझे लग रहा है स्वर सम्राज्ञी है। चलिए हम लोग जीते हैं, कितना 80,000 रुपये जीत चुके हैं हम लोग, 40,000 रुपये, 80,000 का क्वेश्चन था, 80,000 का क्वेश्चन था, गलत हो गया, 40,000 रुपये हम लोग जीत चुके हैं, ठीक है ना। तो आइए फिर से लेट्स प्ले करते हैं, प्ले अगेन करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सीखते हैं। यूकी भामरी का संबंध किस खेल से, क्रिकेट से, टेनिस से, तैराकी से, कोई नहीं। तो या तो बी होगा या तो सी होगा, तैराकी, मुझे 80% लग रहा है कि तैराकी होगा, आइए तैराकी लगा देता हूँ, आप लोग बताइएगा, अगर गलत होगा तो हम लोग याद कर लेंगे कि इससे है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बस सीखने के लिए खेल रहे हैं, सीखने के लिए। टेनिस, मुझे या तो बी या तो सी होगा, ठीक है ना, तो टेनिस कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। इस वीडियो का मकसद जो है, इस केबीसी खेलने का मकसद है सीखना, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, प्ले अगेन करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति के अध्यादेश, चुनाव आयोग या फिर जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। तो 123 दोस्तों पॉलिटी जिसे पढ़ा होगा, राज्य व्यवस्था, 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है ना, ये लग रहा है सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। 1,000 रुपये में जीत चुके हैं, 1,000 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, उपराष्ट्रपति से, सर्वोच्च न्यायालय से, सी ए चुनाव आयोग से, डी ए लोकसभा अध्यक्ष से। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा आसान है क्वेश्चन है, ठीक ना, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, तो ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की ली जाती है, ठीक है ना, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय सही होगा। 2,000 रुपये हमें जीत चुके हैं, अगला क्वेश्चन है 3,000 रुपये के लिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, अनंत सैनम आयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, सरदार हुकुम सिंह या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर, जी वी मावलंकर कहते हैं इनको, मुझे यही लग रहा है डी गणेश वासुदेव मावलंकर लगा दो इसको, या अनंत सैनम भी कहीं मैंने सुना है, नीलम संजीव रेड्डी, डी प्लीज, ए जी वी मावलंकर, याद रखना, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जनवरी 2015 में चौथा श्रीलाल शुक्ल इफ्को सम्मान किसे दिया गया, दोस्तों ये 2015 का सवाल पूछा है, उस समय का करंट पूछा है, तो इसको कोई मुझे आइडिया तो है नहीं, ठीक है, तो इसको हम लेंगे क्या, लाइफ लाइन, ठीक है ना, लाइफ लाइन लेते हैं, कौन सा लिया जाए, क्वेश्चन को फ्लिप कर दिया जाए, नहीं नहीं पूछ लेते हैं, ठीक है, मिथिलेश्वर, ये पूछेगा नहीं इस समय क्योंकि 2015 का ये क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की व्यवस्था है, समाजवादी, मिश्रित, गांधीवादी या फिर स्वतंत्र? दोस्तों ये तो है ऑप्शन बी, मिश्रित। ठीक है मैम, सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, सब लोग कर लेंगे इसको, मिश्रित व्यवस्था। पानी के अंदर फिल्माई गई प्रथम फिल्म का नाम क्या है? प्यासा, जिस देश में गंगा बहती है, संगम या फिर चंद्रसेना। तो पानी के अंदर फिल्माई गई प्रथम फिल्म का नाम, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, अगर मैं अपने से बताऊं तो या तो डी होगा, चंद्रसेना या फिर संगम। चलिए पूछ ऑडियंस को, ऑडियंस क्या कहती है, हमारी प्यारी ऑडियंस, देखते हैं क्या जवाब देती है। ओहो, मेरा तुक्का सही हो जाता, ऑप्शन डी, यस चंद्रसेना। बस तीन लाइफ टाइम बची है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का कौन सा देश कॉफी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? ब्राजील, इंडिया, वियतनाम, श्रीलंका। कॉफी का कटोरा, ब्राजील मुझे लग रहा है, ब्राजील लग रहा है, तुम्हें ब्राजील ही होगा बोल रहे हैं। कॉफी का कटोरा, वियतनाम, नहीं चलिए ए है, लाइफ लाइन यूज नहीं करते हैं, मुझे ए लग रहा है। जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 80,000 रुपये के लिए, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 23 दिसंबर, 8 सितंबर, 9 अगस्त, 1 फरवरी। ये सब याद रहना चाहिए लेकिन ये याद नहीं है। 23 दिसंबर, 8 सितंबर, 9 अगस्त, 1 फरवरी। आप लोगों को याद हो तो बताइएगा, मुझे याद नहीं है, मैं होस्ट से पूछ रहा हूँ। 9 अगस्त, चलिए ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया 9 अगस्त को, याद करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 फरवरी, 8 जनवरी, 8 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 अगस्त है ना, 8 मार्च, 8 मार्च या 8 अगस्त, 8 अगस्त मुझे लग रहा है, 8 अगस्त। आठ मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, गड़बड़ हो गया, 80,000 बन 160। दोस्तों हाँ, इतना सिंपल क्वेश्चन गलत हो गया, बताइए। 8 मार्च मुझे भी लग रहा था लेकिन 8 अगस्त में पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया। ये सबका सही था, आप लोगों को इसका क्वेश्चन मतलब इसका आंसर तो पता ही रहा होगा, 8 मार्च, ठीक है ना। आप मुझे सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ से गलत कर दिया, 80,000 रुपये का क्वेश्चन था, 1,60,000 का क्वेश्चन था। चलिए कोई नहीं, सीख लेते हैं हम लोग कि छोटा एग्जाम में बहुत ही मतलब छोटे छोटे प्रश्न ही गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। आइए लेट्स प्ले करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं गेम को। अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया? गूगल, नोकिया, एंड्रॉयड, ऐसी एप्पल। 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया, याद कर लेंगे हम लोग, अगर गलत होगा तो याद कर लेंगे। मुझे लग रहा है गूगल, नहीं एंड्रॉयड INC या फिर गूगल, ठीक है ओके, मुझे गूगल लग रहा था। सही एंड्रॉयड ऐसे। प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? 1996, 95, 93, 94। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर, 2000 रुपये का सवाल है केवल। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब मनाया गया पता नहीं है, चलिए पूछ लेता हूँ। 1995 याद है, 1995 में पहली बार जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर 1995। राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग आदि के अतिरिक्त सदमा, जिंदगी गले लगा ले या तथा गमन सुने में जाना, मधुर गीत गाने वाले गायक कौन है? सुरेश वाडेकर, ललत तलत अजीज, शब्बीर कुमार, सुखविंदर सिंह।
मुझे नहीं पता दोस्तों, ऑडियंस कॉल ले लेते हैं। अब फिल्म का इतना नॉलेज नहीं है मुझे। ए ऑप्शन ए 40% मिला है। यस, सुरेश वाडेकर। ठीक है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है, मुझे लग रहा है ऑप्शन ए। चलिए इसको देख लेते हैं, ये सही होना चाहिए। ओहो गोवा। आप लोगों को क्या लग रहा था जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है ना, याद तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है वो है गोवा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है ना, सीख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्ले। अभी हम लोगों ने केवल 40,000 मैक्सिम जीता है। कन्याकुमारी किस राज्य में? तमिलनाडु में। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई सोचना नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो द्विसदनात्मक दोस्तों कौन सा? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और तेलंगाना में। तो मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक में है, ऑप्शन बी। ठीक है ना, ये हो जाएगा हम लोग का सही। अगला प्रश्न 3,000 रुपये के लिए। किस स्थान पर विभिन्न प्रकार के जानवरों को सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए रखा जाता है? विभिन्न प्रकार के जानवरों को सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए, 25 साल, मछली घर, पार्क या फिर चिड़ियाघर। तो ऑप्शन डी दोस्तों, चिड़ियाघर। सब जानते होंगे यहाँ पर चिड़िया नहीं रहता है, हर सब कुछ हर जानवर होते हैं। ठीक है, 3,000 रुपये जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1952 में, 46 में, 49 में, 50 में। ये तो संविधान सभा से आ गया, चुनाव कब संपन्न हुए? 1951 में प्रथम जो चुनाव हुआ था, 51 के बाद ही हुआ होगा। नहीं, 25, 46, 49, 50। 49, 50। 1946 में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? 46 में। याद कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1946 में। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं क्या? प्रोग्राम को, हार्डवेयर को, आंकड़ों को या फिर उपकरणों को। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों तो हार्डवेयर को करेगा नहीं, आंकड़ों को भी नहीं करता है, उपकरणों को भी नहीं करता है, प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन ए। ये तो सही होगा ही होगा। भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। चीनी का कटोरा, अच्छा धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है ना, चीनी कटोरा उत्तर प्रदेश होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सही है, सही होगा उत्तर प्रदेश, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। 20,000 जीत चुके हम लोग। अगला प्रश्न 40,000 रुपये के लिए। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ये तो सब लोग जानते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम, नागपुर, कटक, बेंगलोर, कानपुर। ये है कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम। ठीक है, कानपुर बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला? तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल धर्मशक्तु, डॉक्टर अमृता पटेल। दक्षिणी ध्रुव पर, मुझे तो आदमी का नाम याद है, महिला का नाम नहीं याद है। तारा चेरियन है क्या? चलिए पूछ सकता हूँ ऑडियंस पोल। ऑप्शन सी रीना कौशल धर्मशक्तु। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को, भावर, खादर, दून, तराई।
समतल मैदान को तो दून, घास मैदान को दून कहते हैं ना, तराई क्षेत्र भावर। चलिए होस्ट भावर याद रखते हैं, भावर कहते हैं भावर, ठीक है। इसमें जो हम लोग क्वेश्चन गलत हो रहा है, हम लोग सीख रहे हैं ना, कभी आप कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है? शारजाह किस देश में? भारत, यूएई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। शारजाह, जहाँ तो मुझे लग रहा है कि दुबई में, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में, लेकिन कंफर्म नहीं है तो 50-50 करते हैं। अब सुना रहा है वेस्ट प्रोग्राम होगा, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रमंडल समूह में कुल कितने देश स्वतंत्र शामिल हैं? 52, 53, 54, 55। मिला रहा है कि 54, 52 भी लग रहा है थोड़ा बहुत, नहीं 54 ही हुआ। राष्ट्रमंडल समूह में कुल कितने स्वतंत्र देश शामिल हैं? 54 देश है ना, 54 है, मिला रहा है कि 52 भी थोड़ा बहुत, 52 लग रहा है। सही हो जाए 53। चलिए ठीक है, 53 मुझे याद कर लेंगे, ठीक है 53 है, कोई गलती नहीं। मतलब हम लोग केवल इसका उद्देश्य है सीखने का उद्देश्य है, ठीक है ना। तो चलिए, ओह 3,20,000 रुपये हम लोग जीत चुके हैं, 3,20,000 रुपये, ठीक है। और टाइम भी हमारा लगभग हो ही चुका है, 21 मिनट हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे, ठीक है ना। आने वाली वीडियो में हम और सारे ढेर सारे पैसे जीतेंगे, 3,20,000 रुपये इसमें हमने जीत लिया है, ठीक है ना। दोस्तों जल्दी जैसे ही 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, उसके 24 घंटे बाद जो है हम लोग का लाइव शुरू होगा, और आप लोग भी जल्दी से उसका आंसर बताएंगे और हम 7 करोड़ जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, ठीक है ना, और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको भी बहुत सारे सीखने को मिले होंगे प्रश्न, ठीक है ना, उसको देख लिए दोस्तों सारे प्रश्नों को, आपका फिर कभी जो है गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।